नमस्कार मु किशोर ओडिया नर्सिंग क्लासेस रो एक नुवा एवं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन को आपन मन को स्वागत करछि। सब पिलाने वीडियो टी स्टार्ट करे पूर्व रु जदि आपन माने चैनल को प्रथम थरो पई विजिट करछन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरि थिया बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु जाय द्वारा कि वीडियो अपलोड हो आपन मन को पाखरे नोटिफिकेशन पहुंचि जिवो। ओके आसंतु आज रो सेशन स्टार्ट करबा। सब पिलाने आज रो सेशन रो क्वेश्चन नंबर 1 कोला द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव इन इंडिया रिपोर्टेड इन आमरो कोविड 19 विषय रे समस्त वेल नोन थिबे। ओके तो आमर जो कोविड रो प्रथम पॉजिटिव केस इंडिया रे को जगह फाइंड आउट करा हेतला फर्स्ट रिपोर्टिंग करा हेतला ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। कोडी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव रिपोर्टेड इन इंडिया इज इन केरला। ओके द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस रिपोर्टेड इन इंडिया इज केरला बुझेला। सो केरला रे प्रथम थर पई कोविड पॉजिटिव केस को रिपोर्टिंग कराई थला। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहला द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द यूटेराइन ट्यूब। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़ के मध्यरु केउ टाइप रो एपिथेलियल टिश्यू यूटेराइन ट्यूब रे देखिया पई मिले। ओके देखंतु फर्स्ट आमे देखिया यूटेराइन ट्यूब कोन काको कह जाय हमरो फैलोपियन ट्यूब को। ओके फैलोपियन ट्यूब को हमरो यूटेराइन ट्यूब कह जाय आउ कौन कह जाए ओविडक्ट बोली भी आम कही पार। ओके कौन ओविडक्ट बुझेगा। तो क्वेश्चन कहे जे निम्नलिखित ऑप्शन गुड़ी मध्य क्यों टाइप एपिथेलियल टिश्यू यूटेराइन ट्यूब रे देखापी मिले कौटा हम ऑप्शन ए इज द स्क्वामस एपिथेलियम, ऑप्शन बी सिलेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन सी कोलमनार एपिथेलियम, ऑप्शन डी सिंपल एपिथेलियम। कौटा हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू कैन बी फाउंड इन साइड द यूटेराइन ट्यूब। ओके दैट मीन्स इन द इनर मोस्ट लेयर मन रखि था जदि यहाँ ट्यूब होगा तेल तार भितर पटर इनर मोस्ट लेयर रे आमर सिलेटेड एपिथेलियम देखा मिले जोड़ा कि आम ओभ्यूम रिलीज है प्रोपेल करिवारे साहय कैं प्रोपेल ठीक रेला जाकिर कौन हम फर्टिलइेसन प्रोसेस हम दैट मीनस डायरेक्टली और इनडाइरेक्टली सिलेटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन द प्रोसेस अफ फर्टिलइेसन और फर द प्रोपेल अफ ओभ्यूम। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहला द पार्ट ऑफ द फिटस व्हिच ऑक्युपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूटेरस। क्वेश्चन को प्रथम बुझंतु ये कौन कही द पार्ट ऑफ द फिटस एति मन रखु। ओके पार्ट ऑफ द फिटस व्हिच ऑक्युपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूटेरस दैट मीन्स यूटेराइन ट्यूब सॉरी यूटेराइन ट्यूब कहली यूटेरस लोअर पोर्सन को यूटेरस रो जो पार्टा ओकुपाई करके रखि थाए बा फिलअप करके रखि थाए बा लागी थाए से पार्ट को कौन कहवा सिंपल जदि आमे आम निज लांगुएज आम बुझा जे फिटस रो जो पार्टी तलपट को थाए ताकू कौन कहते लाई प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर और पोजिशन कौड़ा हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रेजेंटेशन। ओके आरे प्रेजेंटिंग पार्ट जोटा हम सेटा तो प्रथम तल आड़क रहा तो प्रथम बाहर बाहर को प्रथम एक्सपेल आउट हम हाँ कि नहीं तेणु जोटा प्रथम एक्सपेल आउट हम सेटा तलपट को रोले सीना बाहर तेणु जो पार्टा तलपट को रैट मीन कह रलपट को गर्भाशय तलपट को यूटेरस तलपट को बा यूटेरस लोअर पोर्सन लोअर एंड्रे। ओके तो फिटस रो पार्टा यूटेरस लोअर एंड्रे रल भाग को र से पार्ट को आम कौन कह प्रेजेंटेशन बोली कहवा। ओके आउ जते बड़े सेटा एक्सपेल आउट हम माने जते बड़े सेटा बाहर एक्सपल्जन हम जते बड़े तार ताको आम कौन कह प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके ठीक अच्छे सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहला लो लेवल्स ऑफ मेटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन एटा को शॉर्ट रे लिखि दीजिए अगला अल्फा फिटोप्रोटीन। ओके सो लो लेवल्स ऑफ मेटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल्स आर फाउंड इन निम्नलिखित कंडीशन गुड़िक मध्य क्यों कंडीशन रे अल्फा फिटोप्रोटीन रो लेवल कम देखापी मिले बा लो लेवल रो देखापी मिले ऑप्शन ए ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रेगनेंसीज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त गुड़िक मध्य सब गुड़ाक ठीक कूड़ा हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देखो लो लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन आ सहित आमर कौन
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जोड़ा को आम कहते कौन एच सी जि ओके अल्फा फिटोप्रोटीन प्लस एच सी जि यही दीटा जदि दीटार लेवल जदि लो रहा कम रहा है आम कौन देखापी मिले ट्राइसोमी 21 पड़ो ना नहीं एग्जाम आपत डीपली मुझे जानी तथापि फंडामेंटल क्लीयर पर रखी था जानी था यहाँ ओके ट्राइसोमी 21 हुए और ट्राइसोमी 21 क्या कहा जाए डाउन सिंड्रोम को बुझेगा जदि अल्फा फिटोप्रोटीन एवं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जोटा को आम एच सी जि कौन ये दुटा यांकर जो डेफिसीयसी है लेवेल लो है ओके ताहले कौन हम इट कैन लीड्स टू ट्राइसोमी 21 एंड ट्राइसोमी 21 इज नोन एज डाउन सिंड्रोम ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपण मितर कि पिला आई थिंक जीएनएम करने प्लान करूँ बोधे मे बी मुझ सियोर नुहे कि इनफर्मेसन थी मो पाखे सो जदि आपर जीएनएम करा निहाती भाव में आपको कोर्स आसो ओके तेणु यहाँ मन रखि था जो एग्जाम आसला तो भल कथा किसी कथा ना ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बुझिपारे तो नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 5 कहला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच दैट मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज कौन मोस्ट कॉमन कॉज कौन निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य ऑप्शन ए ब्लीडिंग डिजॉर्डर ऑप्शन बी अब्रप्टियो प्लासेंटा ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीविया ऑप्शन डी एटोनिक यूटेरस कोड़ा हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके एटोनिक यूटेरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच केमी मन में क्वेश्चन आसत अच्छा अच्छा ये पिला मैंने गोटे मिनिट ये आ गए जिनस मन पड़ा मोर देखो ट्राइसोमी 21 यहाँ जो अच्छी मुझे लीड्स टू डाउन सिंड्रोम है आ गए भी यार रिलेवेंट ये अच्छी मुझे कहीदे डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 है डाउन सिंड्रोम है आ गए अच्छी ट्राइसोमी 18 ट्राइसोमी 18 ताको कहा जाए आमर एडवर्ड सिंड्रोम ओके एडवर्ड सिंड्रोम ठीक अच्छे ट्राइसोमी 21 को कहा जाए डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 को कहा जाए एडवर्ड सिंड्रोम ओके डाउन सिंड्रोम कहीं हुए मुझी एवं अल्फा फिटोप्रोटीन प्लस एच सी जि डेफिसीयसी हेले ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जो डिस्कसन करते क्वेश्चन नंबर 5 तो कौन थी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज एटोनिक यूटेरस ओके केमी देखु किसी मन में प्रश्न आसुव जे सर ब्लीडिंग डिजॉर्डर देखु बेबी डेलीवरी पर ब्लीडिंग हेबाटा गोटे डिजॉर्डर नुहे तेणु सेटा को आपण मैंने डिजॉर्डर बोली कही पारे ना से भूल होके ओब्वियसली जदि कौन मसल्स रपचर होती टीयर हो तो ब्लीडिंग हम आमे वर्तमान गोटे ब्लेड रे हाथ को काटिदे आउ कह ब्लीडिंग होटा गोटे हूँ मोर ब्लीडिंग डिजॉर्डर सीटा ठीक कि सीटा ठीक नुहे तेणु ऑप्शन ए हम ना अब्रप्टियो प्लासेंटा प्लासेंटा प्रीविया दिज आर द डिफरेंट कंडीशन से पड़ेगा तेणु एटोनिक ऑफ यूटेरस कहीं एटोनिक ऑफ यूटेरस हम एटोनिक ऑफ यूटेरस अर्थ कौन आप प्रथम बुझी ना एटोनिक ऑफ यूटेरस देखो ए मुझे आगुरु भी क्लास गुड़ाक जिते अच्छी सब मुझे ए लगी माने आबसेन्स अति सिंपल ए लगी माने आबसेन्स टोनिक माने कौन टोनिसिटी टोनिसिटी को अलग आम कौन कही पारा कंट्राक्शन बुझीगला दैट मीन्स कंट्राक्शन पूर्व टोनिसिटी रिफर्स टू कंट्राक्शन ओके तो कंट्राक्शन पूर्व ए लगी माने कौन हो गला आबसेन्स अफ कंट्राक्शन कौन हो गला आबसेन्स अफ कंट्राक्शन हो गला बुझीगला तो जदि आबसेन्स अफ कंट्राक्शन हम यूटेरस बेबी डेलीवरी पर कौन हम ब्लीडिंग हम कौन हम आबसेन्स अफ कंट्राक्शन इन यूटेरस लीड्स टू ब्लीडिंग अरे ब्लीडिंग केत आम समस्ते जानते जे एक्सेसिव अमाउंट रे जदि ब्लीडिंग है आम कह पोस्टपार्टम हेमरेज ओके केते क्वांटिटी रे जदि ब्लीडिंग हम 500 ml और मोर बुझीगला जदि 500 ml रु बेबी रो बार्थ परे चाइल्ड बार्थ परे जदि 500 ml रु अधिका ब्लीडिंग हला ताकु आमे कौन कहबा पोस्टपार्टम हेमरेज बोली कहबा ओके से ब्लीडिंग कौन पई हबो ड्यू टू द आबसेन्स अफ कंट्राक्शन ओके जदि बेबी रो बार्थ परे जदि यूटेरस रे कंट्राक्शन न होला ताले कौन हबो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग हबो ब्लीडिंग स्टॉप हबोनी
तेणु कंट्राक्शन होगापी आम कौन दिं ऑक्सीटोसिन हाँ कि नहीं कौन दिं ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन देला मात्र के ऑक्सीटोसिन कौन एम जादू अच्छी इंजेक्शन दे देले सी एकदम ब्लीडिंग को बंद करदे ना तार काम हो कंट्राक्शन कर कंट्राक्शन कला मैंने कौन हम ब्लीडिंग बंद हम ब्लीडिंग बंद है मैंने पेसेंट पीपीएच रु रक्षा पाइब बुझिपारे सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज एटोनिक यूटेरस ओके केते एमएल ब्लीडिंग हेले हबो पीपीएच 500 एमएल हेले बुझेला सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखो पोस्टमार्टम हेमोरेज उपरे हमर ऑलरेडी गुटे क्लास अवेलेबल अछि प्लेलिस्ट उपरे प्लेलिस्ट रे आपण माने जाई देखि परबे ओके क्वेश्चन नंबर 6 कोला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन निम्नलिखित ऑप्शन गुड़ मध्य क्योंटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहले कौन आपण माने जानिछन्ते कि देखंतु आइसोटोनिक मीन्स होउचे आइसोटोनिक अर्थ होउचे बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर फ्लुइड्र जो स्पेस अच्छे जानते एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड्र स्पेस एवं इंट्रा सेलुलर फ्लुइड्र स्पेस को एक्सपेंड करुवा सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाए मन रखि था ओके आइसोटोनिक सॉल्यूशन रो काम होला जे आमर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड अच्छे एवं इंट्रा सेलुलर फ्लुइड अच्छे से फ्लुइड रहा गोटे गोटे स्पेस दरकार जमी पोखरी में पा रहा गोटे स्पेस दरकार ना नहीं से स्पेसटा जो से गातटा जब खोला ही नाला आम पोखरी कहवा कि पा कौटे रोक ठीक सेमती आमर एक्स्ट्रा सेलुलर एवं इंट्रा सेलुलर दैट मीन्स सेल बाहर एवं सेल भितर एक्स्ट्रा सेलुलर हूँ सेल बाहर इंट्रा सेलुलर हूँ सेल भितर तो सेल बाहर किसी जलीय अंश रहा सेल भितर किसी जलीय अंश रहा कि स्पेस थाए बा जगह थाए से जगह को एक्सपेंड किए कै आइसोटोनिक फ्लुइड ओके किंबा एमती कहीपर से जगह को एक्सपेंड करुवा फ्लुइड को आइसोटोनिक फ्लुइड बोली कहा जाए ओके आउ इक्वल क्वांटिटी रे ये एक्सपेंड कर बुझे एमती ना जे या 20 पैसार कला बेलू ता 10 पैसार करमती ना जदि या 20 पैसार कर इंट्रा सेलुलर पर एक्स्ट्रा सेलुलर पर भी 20 पैसार कर इक्वाली एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्पेस को एक्सपेंड कर सो जी एक्सपेंड कराए से फ्लुइड को कहा जाए आइसोटोनिक फ्लुइड ओके तो क्वेश्चन कहे निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य क्योंटी गोटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑप्शन ए डीएनएस ऑप्शन बी डी टेन मीन जान डेस्टोर 10% ओके ऑप्शन सी 0.45 नॉर्मल सलाइन एनएसएन बा सोडियम क्लोराइड एवं डी हूँ आरएल रिंजर्स लैक्टेट कूड़ा हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके आरएल इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ए देखो ये आहरी भी हो पार मुझे जदि जो क्वेश्चन रे डी 10% बदल रे सेटी थिबो डी 5 मन रखि था डी 5 इन वाटर ओके डी 5 इन वाटर बा डी 5 विथ वाटर दे थिबो सेटा हो पार आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये जो दे 0.45 एनएसएल जो ऑप्शन रे थिबो 0.9 एनएसएल सेटा हो पार आम आइसोटोनिक सॉल्यूशन ओके सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कहला WHO डिक्लेयर्ड द 2019 नोबेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जदि शॉर्ट रे आम देखा सेटा हम PHEIC ओके एटा फुल फॉर्म टा मन रखी था PHEIC ओके स्टैंड्स फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओके पिला बाण फुटाउछन्ते कोठी ना कोनो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और इंटरनेशनल कंसर्न तो PHEIC ओके सो WHO डिक्लेयर्ड द 2019 नोबेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन एटा गोटे इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बोली कोविड 19 को WHO बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केबे डिक्लेयर करथिला ऑप्शन ए 30 जनवरी 2020 ऑप्शन बी 13 जनवरी 2020 ऑप्शन सी 23 जनवरी 2020 और ऑप्शन डी 27 जनवरी 2020 कोड़ा हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके ऑन 30 जनवरी 2020 WHO डिक्लेयर्ड
द नोवेल कोरोना वायरस एज ए एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हिच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। ओके क्वेश्चन कहुची जे ओवरी द्वारा निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य क्यों हार्मोन रिलीज हुए जहाँकि FSH एवं LH रो सिक्रेशन को इनहिबिट करे बा बंद कर दे था। FSH आउ LH कौन? FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके अच्छा ये जो FSH एवं LH इटा मु आगरु भी कहिछि ए मानकर रोल कौन ना FSH रो काम होउछि से फॉलिकल को स्टिमुलेट करइबो। ओके तार ग्रोथ को स्टिमुलेट करइबो फॉलिकल मानकर सेति पय ताको कहा गला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके FSH से माने कोन करबे आसीकि फॉलिकल गुडा को बढ़ेबे। ओके तार ग्रोथ रे हेल्प करबे ए फॉलिकल गुडा को भितरु जेतेबले गोटे फॉलिकल बहुत बड़ो हि जीवो ताको आमे कोन कहंती ग्राफियन फॉलिकल। से ग्राफियन फॉलिकल भितरे कोन थाए गोटे ओव्यूम मध्य बढ़ु थाए। ओके जोटा को आम फिमेल गेमेट बोली कहते से ओव्यूम से ग्राफियन फॉलिकल भितरे मेच्योर हे तो ग्राफियन फॉलिकल जेतेबले बड़ हि जीवो सेतेबले कोन सिक्रेशन हे LH सिक्रेशन हे ग्राफियन फॉलिकल बड़ कौन हे कि मैंने गोटे मेच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहवा आम। ओके तेणु ग्राफियन फॉलिकल मीन्स गोटे मेच्योर फॉलिकल से ओव्यूम रिलीज करिया पई रेडी। ओके तो ग्राफियन फॉलिकल जेतेबले रेडी हि जीवो ओव्यूम रिलीज करिया पई सेतेबले किए सिक्रेशन हे LH सिक्रेशन हे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आसिकी फॉलिकल को ग्रोथ कर देला ग्राफियन फॉलिकल बाहरी पड़ा आइडेंटिफाइड हो गला तापर ताकू रप्चर करके जेतेबले ओवुलेशन रो टाइम आसिबो सेतेबले किए सिक्रेशन हे LH सिक्रेशन हे कोठू सिक्रेशन हुए FSH एवं LH आंटेरियर पिट्यूटरी रु सिक्रेशन हुए। ओके आंटेरियर पिट्यूटरी रु LH सिक्रेशन हो सर से LH आसिकी कौन कर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करदेव ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दे सर ग्राफियन फॉलिकल रु कौन रिलीज हे ओव्यूम रिलीज हे। ओके ओव्यूम रिलीज हे ये प्रोसेस को आम कौन कहते रप्चर ओव्यूम रिलीज होगा कहते आम ओवुलेशन। ओके कौन कहते ओवुलेशन तो ओवुलेशन प्रोसेस पर आमर कौन है ओव्यूमटा ओवेरियन फिमरी द्वारा कैप्चर कर दिगला प्रोपेल कर दिगला टुवर्ड्स द फालोपियन ट्यूब। फालोपियन ट्यूब्र कौ पार्ट आंपुला पार्ट आंपुलें जाकि सी कौन हम सी मेल गेमेट बा स्पर्म सहित मिलन हे मिलन होगापर ताकू कमर फर्टिलइजेसन। ओके तो LH तो आसिकी ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करदेला रप्चर कर दे सर ग्राफियन फॉलिकल रो जो खंड विखंडित अंश गुड़ाक जमी आम अंडा छोड़ सारापर अंडार खोल गुड़ाक केमती टुकड़ा टुकड़ा हो जाए ठीक सेमती ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो सारापर तार ये टुकड़ा टुकड़ा पार्ट गुड़ाक आम कौन कहते कर्पस ल्यूटियम कौन कहते कर्पस ल्यूटियम ठीक अच्छे तो LH आसिकी रप्चर करदेला तापर LH एवं FSH यही गुड़ाकर काम तो सरीगला तेणु काम सरीगला एगुड़ाक कहीं ओवर सिक्रेसन हे तेणु से मानकर सिक्रेसन को बंद कर दिया हुए तो ये सिक्रेसन को बंद करेबार काम किए करे प्रोजेस्टेरोन करे ना एस्ट्रोजन करे ना इनहिबिन करे ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करे किए करे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इज इनहिबिन व्हिच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एवं LH। ओके इनहिबिन नामक हार्मोन ओवरी रु प्रोड्यूस हुए जी कि FSH एवं LH रो सिक्रेशन को इनहिबिट करिथाय बा बंद करिथाय बुझेला सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहला इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सेल विद इन द स्टोमाक। इंट्रिंसिक फैक्टर निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य क्यों सेल रु प्रोड्यूस होती ऑप्शन ए म्यूकस सेल ऑप्शन बी चीप सेल ऑप्शन सी एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑप्शन डी पेराइटल सेल्स कूड़ा हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके द इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द और बाय द पेराइटल सेल इनसाइड द स्टोमाक। ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट व्हिच डाइटरी कंपोनेंट्स। ओके क्वेश्चन कहुचे जे आमर जो पेप्सिन नामक एंजाइम अच्छी सेटा निम्नलिखित डाइटरी कंपोनेंट्स मानक मध्य क्या डाइजेस्ट कर हेल्प करे ऑप्शन ए प्रोटीन ऑप्शन बी फैट ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी विटामिन्स कूड़ा हे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके द एंजाइम पेप्सिन
डाइजेस्ट द प्रोटीन। ओके प्रोटीन को से डाइजेस्ट करिवारे हेल्प करे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके सो पिला मैंने आई थिंक निहाती भाव में भिडियोटी आपको हेल्प कर एग्जाम भी। ओके सो आज ये पुणी देखा हे आ गए नुआ और किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू सह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।